दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के बरेली में SDM पद पर तैनात ज्योति मौर्य सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं। उनके संबंध में कई प्रकार के मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ जगहों से खबर आ रही है कि कई पति अपनी पत्नी की सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने में रुकावट डाल रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अफवाह भी फैल रही है कि ज्योति मौर्य को पद से हटा दिया गया है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा सच। दोस्तों वास्तविकता यह है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करके SDM ज्योति मौर्य को पद से हटा दिया है। लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। SDM ज्योति मौर्य को अभी तक पद से हटाया नहीं गया है और उनके खिलाफ अभी तक कोई जांच नहीं चल रही है। हालांकि दोस्तों उम्मीद है कि एक कमेटी शीघ्र ही उनकी जांच करेगी। PCS अधिकारी को राज्य सरकार बर्खास्त कर सकती है यदि कोई अधिकारी जांच में भ्रष्टाचार के दोषी पाया जाता है या किसी गंभीर अपराध में लिप्त होता है, तो दोस्तों उस स्थिति में उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई पुरुष कर्मचारी दुष्कर्म जैसे मामले में लिप्त पाया जाता है और अदालत द्वारा उसे सजा होती है तो उसे भी सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। दोस्तों भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी SDM ज्योति मौर्य के साथ साथ उनके तथाकथित प्रेमी कमांडेंट मनीष दुबे की नौकरी खतरे में पड़ रही है। जब यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आया तो होमगार्ड हेडक्वार्टर ने प्रयागराज में तैनात DIG को मामले की जांच के लिए आदेश दिया गया। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार DGP ने बताया कि पूरी जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों मनीष दुबे गाजियाबाद में होमगार्ड के कमांडेंट के पद पर पोस्टेड हैं। SDM ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के मुताबिक कमांडेंट मनीष दुबे की पत्नी भी परिवार के उजाड़ने का आरोप लगा रही है। ऐसे में कमांडेंट मनीष दुबे बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मनीष दुबे के ऊपर किस कानून के तहत कार्रवाई होती है। और दोस्तों मनीष दुबे के तथाकथित चैट भी वायरल हुए हैं। तो दोस्तों इस वक्त की ये एक बड़ी खबर है जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है कि SDM ज्योति मौर्य को उनको उनके पद से हटा दिया गया है। जबकि दोस्तों आपको बता दें ये सरासर गलत न्यूज है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आगे की खबरों को पल पल की खबरों को सही जानकारी को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए।